हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करूँगा आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि अभी सब जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चली है, तो बेटा उसी का पार्ट नंबर 21 है। और जिन्होंने 20 के 20 पार्ट नहीं देखे तो फटाफट से जाकर देखो, फुल प्लेलिस्ट को फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, फटाफट से कंप्लीट कर दो। अब एग्जाम का ज्यादा समय नहीं रह गया, तो फटाफट से पहले देख लो और सारी वीडियो को एक बार रिवाइज और कर लो। अब देखो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और बिल्कुल पॉजिटिव माइंड सेट से आपको एग्जाम देने है। तो चलिए बिना तो हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा मेरे पास काफी बच्चों कमेंट करते हैं कि सर इंटीग्रेशन 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 तो ले भाई, इंटीग्रेशन क्वेश्चन ले दे, जब भी आएगा 8 नंबर 10 नंबर में आएगा, इससे कम में नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, शुरू से लास्ट तक जुड़े रहना, बिल्कुल भी इसकी वीडियो को मत करना, ठीक है? काफी सारे क्वेश्चन लेंगे, थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है। तो देखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा प्रूफ करना है मेरे को, लिमिट दी गई 0 to π/2 और ये अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स डीएक्स इज इक्वल्स टू π/4 हमें लेकर आना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, करें? चलो तो करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बेटा इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए, किस तरीके से इंटीग्रेशन करना देख लो। आई क्या दिया हुआ है आपको, 0 to π/2 एंड अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स और प्लस में अंडर रूट कोस एक्स और ये आपका डीएक्स। तो बेटा अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0 to π/2 लिमिट अंडर रूट साइन π/2 प्लस 0 - x अपॉन में अंडर रूट साइन π/2 प्लस 0 - x और प्लस अंडर रूट कोस π/2 प्लस 0 - x और ये डीएक्स। अब कुछ तो सोच रहे हैं, क्या कर दिया जी, यू क्या है भाई, देखो ना ये क्या है। बेटा याद रखना, 0 π/2 या a या कुछ भी करके ऐसा मान लेना, अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया गया है तो प्यारे बच्चों में इसे ए भी लिख सकता हूं, 0 to π/2 और f जो है π/2 जो आपकी अपर लिमिट है प्लस लोअर लिमिट और माइनस एक्स और ये dx, इस तरीके से भी मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है? तो जी देख लो, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, मतलब इन दोनों लिमिट को जोड़कर माइनस कर देंगे आपका ये x। आ रही है बात समझ में? तो फटाफट से देख सकते हैं आप, 0 to π/2 और इसकी ट्रिक भी दूंगा, ट्रिक भी देंगे, ठीक है? अंडर रूट, अब बेटा ये बनेगा आपका π/2 - x, तो 90 - θ कौन सा क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 पर चेंज होता है, साइन का कोस हो जाएगा, साइन का कोस हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ट्रिक भी देंगे, ट्रिक से तो एक मिनट में हो जाएगा। तो साइन का कोस और ये एक्स आ गया, कोस एक्स और अपोन में ये सेम एज इट इज π/2 - x, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, 90 पर चेंज होता है, साइन का कोस हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो बेटा अंडर रूट में कोस एक्स और प्लस का अंडर रूट में ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और ये डी एक्स, क्योंकि 90 - x 90 - θ ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोस का साइन, साइन का कोस, ठीक है? ये इंटरचेंज होते हैं, देखो ऐसे करके साइन का कोस में हो जाता है, कोस का साइन में हो जाता है, टेन का कोट में हो जाता है, कोट का टेन में हो जाता है और आपका सेक का कोसेक में हो जाता है, कोसेक का सेक में हो जाता है। ये आपको याद रखने हैं तीनों पॉइंट, ठीक है? क्वाड्रेंट सिस्टम 10th क्लास में आता है, वहां मैंने सब कुछ बता रखा है, अगर आपको ये चेंज नहीं करना आता तो वहां से आप देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की एक बेसिक सीरीज बनाई थी मैंने, उसमें चार पांच वीडियो है, वो देख लेना, उनमें क्वाड्रेंट सिस्टम पर पूरा आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इंटरचेंज होता है, ठीक है? तो बेटा अब इसे तो मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, और प्यारे बच्चों इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो और देखो आंसर। भाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो आई और आई भैया 2i हो गया, क्योंकि LHS LHS में जुड़ती है और RHS RHS में। तो देखो जी, तो 0 to π/2 ये कैसे रखा है मेरे को, अंडर रूट में साइन एक्स अपोन में अंडर रूट में साइन एक्स और प्लस का अंडर रूट में कोस एक्स डी एक्स और प्लस का 0 to π/2 ये देखो, ये जो लिखा हुआ है अंडर रूट कोस एक्स और अपॉन में अंडर, आगे पीछे करके लिख लो, अंडर रूट साइन एक्स और प्लस में अंडर रूट कोस एक्स। अब प्यारे बच्चों लिमिट 0 to π/2 जब नीचे वाले हमारे इक्वल हो, सेम हो, तो ऊपर वाला सेम एज इट इज नॉट हो जाता है। तो देखो जी 0 to π/2 तो एलसीएम आपका आ जाएगा अंडर रूट में साइन एक्स और प्लस का अंडर रूट में कोस एक्स, तो सेम पर एज इट इज नोट हो जाएगा, साइन एक्स अंडर रूट में कोस एक्स और ये
dx भैया इससे ये काट दो प्यारे बच्चों, यहां देख लीजिए 2y बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 और ये dx ठीक है 1 आ जाएगा। और बेटा 2y इज इक्वल्स टू, अब देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x, और भैया पहले अपर लिमिट लिखते हैं फिर लोअर लिमिट। अब i इज इक्वल्स टू, i इज इक्वल्स टू बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0 एंड 2i बराबर क्या जाएगा पाई बाई 2 एंड i बराबर क्या जाएगा पाई बाई 4 जो मेरे को प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड, ये हो चुका है। तो कैसा लगा क्वेश्चन, अगर मजा आ गया ना तो फटाफट से लाइक करो यार, कमेंट करो, शेयर करो, भाइयों वाला बहनों वाला प्यार दिखाओ ना, ठीक है। आई बराबर मिल गया, इस तरीके का एक क्वेश्चन 101% पेपर में है, एक राज की बात है ये, आ रही है बात समझ में, पक्का मिलेगा ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। अब इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैक्सिमम इस तरीके से ही आपको करने हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और ले लो, काफी बार आया पेपर में, काफी बार आया है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अरे बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, टेंशन ना ले लो, तो इसे रफ कर देते हैं फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डरना मना है। कुछ बच्चे डर रहे होंगे ना इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना। देखो जी सॉल्यूशन देखते हैं, इसे प्रूफ करते हैं, LHS ले लेते हैं। आई बराबर क्या दिया हुआ है आपको, 0 टू पाई बाई 2 लॉग टेन एक्स डी एक्स। बेटा इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, आई इज इक्वल्स टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 लॉग टेन, और इसे हम लिख सकते पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स और ये dx। अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में सेम एज इट इज वही काम करना है, और i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2। इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन इजी बना देंगे, टेंशन नहीं लेनी, इजी बनाकर खा जाएंगे ठीक है। देखो लोग, अब देखो ये tan पाई बाई 2 माइनस x, याद रखना मैक्सिमम टाइम जो मैंने लिखा था ना अभी, साइन cos tan cot sec cosec, ये इंटरचेंज कर देना, tan दे रखा cot लिख दो आंख मीच के। ट्रिक बता देता हूं थोड़ा सा, ये दे रखा है तो यहां देख लेना, यहां टेन का कोट आएगा, साइन का कोस आएगा और सेक का कोसेक आएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ये शॉर्ट ट्रिक है, आ रही है बात समझ में। देखो तो बेटा यहां मैं लिख सकता हूं कोट एक्स और ये डी एक्स, इक्वेशन नंबर प्यारे बच्चों सेकंड, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकंड, दोनों को ऐड कर दो जी, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो आई और आई कितना हो गया 2i 0 टू पाई बाई 2 लोग टेन एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई बाई 2 लोग कोट एक्स और ये डी एक्स, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो 2i बराबर, अब भैया 0 टू पाई बाई 2 लोग टेन एक्स प्लस का लोग कोट एक्स और ये डी एक्स, एक साथ लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल लिखेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जरा सी भी यहां को देख लो, इसके बाद i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 एंड 2i चल रहा है ना हमारा। अब बेटा लोग की प्रॉपर्टी होती है, तीन चार प्रॉपर्टी पहले भी बता चुका हूं, और ना पता तो एक बार और देख लो, चलो बता ही देता हूं यार, गंदी आदत है ना बताने की ज्यादा। लोग m प्लस लोग n, बेटा क्या लिखेंगे, लोग m इंटू n, लोग m अपॉन n, लोग m माइनस लोग n, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ लोग m की पावर n, तो n इंटू लोग m, बेटा इस तरीके से लिखते हैं ठीक है, नोट कर लेना याद कर लेना। तो मेरे यहां पर देखो लोग m प्लस लोग n, तो लोग m n लिख सकता हूं मैं इसे, तो लोग tan x इंटू cot x और ये dx ठीक है। अभी ना रफ कर रहा हूं मैं, देखो ये नोट कर लेना। चलो जी 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2 लॉग बेटा टेन एक्स और इसे लिख दो गुस्सा नहीं ठीक है, इसे रफी करके लिख देते हैं, कोट एक्स को मैंने 1/10x लिख दिया, तो भैया इससे खत्म हो गया 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2 और लॉग 1 और ये डी एक्स एंड 2i इज इक्वल्स टू, बस अब करना है, अब तो कर ही लोगे, कर लोगे नहीं, चलो बता ही देता हूँ कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू जीरो। अब जीरो का इंटीग्रेशन कर लो भैया,
जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही होता है, क्या होता है जीरो, तो टू आई बराबर क्या आ गया जीरो आ गया और आई बराबर क्या आ गया जीरो, और लिख देना हैंस प्रूव्ड, हो गया प्रूव। आ रहा नहीं आ रहा मजा, मतलब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन इतने आसान, इतने ही आसान है। तो माइंड पर बैठे हो, माइंड मानकर बैठे हो बेटा आप कि इंटीग्रेशन बहुत हार्ड, डिफरेंशिएशन बहुत हार्ड, कहीं सा हार्ड है बताओ मुझे। अगर मानते हो ना कि आपका भाई ज़्यादा सब्सक्राइबर डिजर्व करता है तो यार सपोर्ट दिखाओ ना, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मज़ा आ रहा है ना। और क्वेश्चन देखते हैं अभी, चलो फटाफट देखते हैं। तो देखिए बेटा ये है आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत ईजी लगे होंगे आपको, कोई बिल्कुल भी ज़्यादा हार्ड नहीं लगे होंगे। कुछ क्वेश्चंस ये लिख रहे हैं, डरना मत, इतना इतना सब कुछ देखो कि ऐसा प्रूफ करना, ये लाना वो लाना, अटपटे से कुछ बिल्कुल भी ना। जो बेटा ये क्वेश्चन है इसकी तरह ये भी है। अब मान लो कुछ बच्चे कहेंगे जी क्वेश्चन पेपर में आए ना, मान लो यू ना आए, हाँ का प्लस होगा माइनस आ गया, तो बेटा कंसेप्ट तो सेम ही है भाई। ये क्वेश्चन माइनस में भी आ सकता है, ये प्लस में लिख रखा है माइनस में भी आ सके। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब में आपको एक ही कंसेप्ट लगाना है, ये ट्राई आपको करने हैं, लिख दिए और नहीं हुए कमेंट कर देना, मैं करा दूंगा, ठीक है। बाकी कंसेप्ट हमारा बिल्कुल सेम ये ही है। इसमें देखो जो लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है लॉग, मतलब लिमिट जीरो टू पाई बाय टू लॉग साइन एक्स डीएक्स, इसमें काफी बार ये प्रूफ करने के लिए कह देता, और करके लिख रखा है, ये भी प्रूफ करने के लिए बोल देता है, बाकी लास्ट में लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सेम एज इट इज जैसे हमने भी किया था वही करना, और बाकी ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। ये यहाँ साइन स्क्वायर लिख रहे हैं, कोस स्क्वायर में भी आ सका ये क्वेश्चन, आरिवासा नीचे पर आपको ये मिलेंगे साइन और कोस, यहाँ प्लस और माइनस में भी आ सका, पर कंसेप्ट बेटा सबका सेम ही है। अब देखो इस क्वेश्चन को, आई बराबर क्या दिया प्यारे बच्चों, जीरो टू पाई बाई टू और वन अपॉन वन प्लस कोट एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। तो आई बराबर थोड़ा सा इसे सोल्व कर लेते हैं पहले, तो 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स और ये डी एक्स, तो i बराबर 0 टू पाई बाई टू, इसका एलसीएम ले लो प्यारे बच्चों, अगर मैं एलसीएम लूँगा इसका तो ये साइन एक्स एलसीएम आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स और प्लस का कोस एक्स और ऊपर मेरा 1 चल ही रहा। पानी वाले भैया आए बहुत तकड़े तरीके से चिल्ला रहे, पानी ले लो, है ना, आ रही है ना आवाज, तो समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन पर आ जाते हैं। साइन एक्स को ऊपर ले लेंगे हम, ये साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, काफी बार डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना है, तो आई बराबर जीरो टू पाई बाई टू। बाकी देखो एक बात मैं आपको बताऊं, मैं अपने आस पास में देखकर बहुत सारी चीजें सीखता हूं। जीवन में अगर आपके माता पिता ने आपको इस लायक बनाया ना कि आप बीसीए जैसी पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो बेटा आप बड़े खुशनसीब हो। मैं ऐसे ऐसे बच्चों से भी मिला हूँ जिनके घर की आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब है और वो करना बहुत कुछ चाहते हैं पर अपनी आर्थिक स्थिति के कारण नहीं कर पा रहे, तो आप बड़े खुशनसीब हो और आपको अपने पापा मम्मी का बड़ा सम्मान करना चाहिए, बड़ा प्यार करना चाहिए, समझ रहे हो ना, बड़े नसीबों से मिलते हैं पापा मम्मी और जो आपकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। तो एक यही डेडिकेशन लेकर आपको पढ़ाई करनी है, पेपर देने हैं, समझ रहे हो ना। जीवन में अगर कुछ बनना है ना और कुछ करना है तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो समझ जाओ बस, ज़्यादा फिर हमारी वीडियो लेंथी हो जाएगी, भावनाओं में बह जाऊँगा मैं थोड़ा ज़्यादा, बाकी जो मैंने बोला दिल से बोलता हूँ बेटा, है ना। ये आ गया आपका, ठीक है। अब बेटा ये मिल गया आपको, अब डायरेक्ट कुछ जैसे मैंने पहले क्वेश्चन करे थे वही लिमिट लगा दिया, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कोस एक्स, इसे साइन एक्स कोस एक्स डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकता हूँ। इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड, वही ये लिमिट लगा दिया पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स, है ना, वही रूल लगा दिया, डायरेक्ट कर दिया अब, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, आई और आई टू आई, जीरो टू पाई बाई टू, ये बनेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स और ये डी एक्स, इससे कैंसिल आउट हो गया, टू आई बराबर जीरो टू पाई बाई टू और ये वन और ये डी एक्स, और यहाँ देख लो टू आई बराबर बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा और ये लिमिट दे रखे पाई बाई टू और जीरो, तो टू आई बराबर क्या आ जाएगा पाई बाई टू माइनस जीरो एंड आई बराबर क्या आ जाएगा पाई बाई फोर। आ रही है बात समझ में, देखो कितना इजी था यार,
और कम से कम भी नहीं 10 नंबर में 8 नंबर में कितनी बार पूछा गया, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। वीडियो की लेंथ हम इतनी रखेंगे। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करके बताओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करो, जितना हो सके अपना प्यार दिखाइए। बस वीडियो को यहीं रखते हैं, बाकी इसलिए मैं थोड़ा सा लेंथी नहीं कर रहा वीडियो, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास देने मुझे जाना है, टाइम मेरा हो चुका है। तो बाकी नेक्स्ट पार्ट का वेट करें, बहुत अच्छे से अभी दोनों मैंने अभी रिसेंटली जो पार्ट दिए हैं 2-3, उन्हें भी बहुत अच्छे से देखें और सारे पार्ट एक बार रिवाइज करें। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं, बहुत अच्छे से पेपर देकर आने हैं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आपके भविष्य के लिए, आपके पेपर के लिए। थैंक यू।